बहुत से लोगों ने ये बोला कि भाई आपने अर्ली रिव्यू खेल खेल में का नहीं दिया, तो हुआ ये कि वो उसका अपडेट मुझे मिलना बाकी था। फर्स्ट रिव्यू उसका आया है अभी, और पहले नहीं था मेरे पास रिव्यू, इसलिए मैं बेवजह का यार झूठ मूठ का बोल के फ़ायदा नहीं। दो तीन लोगों ने फेक रिव्यूज़ डाले ऑलरेडी यूट्यूब पे, उन पे बिलीव करना है तो करो, आप लोगों की मर्ज़ी है। अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि खेल खेल में जो मूवी है उसका जो यूएस सर्टिफिकेट उन्होंने दिया ज़रूर है, लेकिन सन ऑफ बी डॉट 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 डी एंड सन ऑफ बी डॉट 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 एच, अगर आप होशियार हो तो समझ में आएगा आपको, जो गालिया है इनको म्यूट कर दिया गया है, वो जो अब्यूजेस उस मूवी में डाले गए हैं थे, ओके, सेंसर बोर्ड की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट है भाई, उतना तो मुझे भी पता है। अगर अर्ली रिव्यू आया होगा तो, जो लोग पूछ रहे थे कि भाई सच में आया है या नहीं, तो आया है भाई, उसको 3 स्टार रेटिंग दिए है, उस कॉमेडी की उन लोगों ने तारीफ की है, ये सेंसर बोर्ड की तरफ से आया हुआ रिव्यू है, सेंसर के साथ जो मीडिया रहती है उनकी तरफ से है। जस्ट मिनट, एंटरटेनिंग, एक सेकंड, यस नो डाउट एट ऑल दिस इज एंटरटेनिंग फिल्म एंड, जस्ट मिनट, द वर्क ऑफ अक्षय कुमार एंड फरदीन खान, ओके, उन्होंने है बेबी के वक्त की कंपैरिजन करी है, बट इफ यू कंपेयर दिस फिल्म विद दे दनादन, नहीं विथ एनी फिल्म, उनका कहना है अगर आपको कोई भी फिल्म के साथ कंपेयर करनी है तो थोड़ा सा दे दना दन वाला फीलिंग आता है इस फिल्म को लेके, एंड उन्होंने ये भी बोला है, या बट इट्स ओवरऑल ओके फाइन, वो तो यार एक कॉमेडी फिल्म है ना, तो आप क्या सीक्रेट समझ रहे थे क्या? वो लोग बोल रहे कि प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल तो होगी ही ना भाई, ये एक कॉमेडी फिल्म है, इसका थोड़ी ना कोई सस्पेंस है, तो ये थोड़ा सा मे बी हेटर भी हो सकते हैं, बट हो सकता है कि ये रियल भी इनका ओपिनियन हो। अब तो ये ऑडियंस तय करेगी क्या सही है क्या नहीं, मैंने देखो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जो सेंसर की तरफ से आया हुआ वो मैं रिपोर्ट दे रहा था। आप लोगों को पता है कि अब मैंने वो दोनों फिल्मों का भी अपडेट दिया था, तो सोचा जो रिव्यू है ट्विटर पे वो आपके साथ शेयर करो। हाँ एक है भाई वो उमेर जो अक्षय का दुश्मन है, वो 1 या 1.5, नहीं वो तो 0.5 या 1 स्टार रेटिंग ही देने वाला है भाई, ऐसे लोगों से बचो। लेकिन ऊपर से KRK भी है कुछ लोग भाई, उनसे उनके रिव्यूज़ मैं नहीं फॉलो करता हूँ। ये जो रिव्यू था वो सेंसर स्क्रीनिंग का दिखा है, इसलिए मैंने आपको दिया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, टेक केयर।